सावन की चूड़ी। तो क्रियांश यहाँ बैठ के अपना फोटो सिलेक्ट कर रहा है क्रियांश। ये देखो कौन है, अच्छा है हाँ? सुंदर फोटो है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। मैं काम कर रही हूँ और प्रियांश देखिए कहाँ घुस रहा है। इसीलिए तू आया है ना, इसीलिए तू आया है ना बदमाशी करने के लिए। वार्डरोब में घुसेगा घुसेगा हाँ। मम्मा काम कर रही है ना, मम्मा काम कर रही है ना। कितने सारे कपड़े फैले, सबको रखना है। ए लड़का, मम्मा काम कर रही है ना बेटा, परेशान नहीं करना। इसीलिए बाबा को छोड़ के यहाँ आया है मेरे पास, ये रीजन यही है। पानी बंद हो गया क्रियांश बम। ये भगवान जा, कह रहा है पानी खोलने के लिए। ए वहाँ पानी, वहाँ वहाँ जा। ए देखो पानी वहाँ है बाबा के पास। पानी चाहिए तुमको? मजा आ रहा है पानी में आ? चपड़ चपड़ कर रहा है पानी में। मजा आया पानी में दे। देखो पापा जा, कल भी डैडी फूल में पानी दे रहे थे, इसी कर रहा था। अभी नहाया है, दोपहर में ही 2 बजे नहाया है। क्या कर रहा क्रियांश? नहा लिया, रेडी हो गया, फिर चुचू करके गीला कर लिया। तुम भी गीत गा रहा है, मजा आया। काकी के मंदिर में हम बाबा, काकी के हम के बाबू, हम बैसल छथिन बाबा सारे कार मन में राखी। दादी तो तुम सेलता ही नहीं है अब क्रियांश। कमड़ा थुआ मेरे भाई। The next day. तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और सभी लोग जो है सो करके उठते हैं बहुत देर पहले ही, और क्रियांश जो है अच्छा खासा सभी को थका चुका है। और फिलहाल मम्मी जो है यहाँ पर अपना साफ सफाई कर रही है। खाना बन गया दीदी? खाना बन गया, सब्जी बहुत महंगा है। मेरा पोता उसको बर्बाद कर रहा है सब्जी। बिल्कुल बरसात का समय है, इस समय बहुत महंगा होता है सब्जी। जो लत्ती जो है सब्जी का है या पेड़ है सब सर चुका है पानी में, तो बहुत महंगी सब्जी आती है। तो मुझे लगता है कि बहुत उसको ढंग से रहना चाहिए, लेकिन मेरा पोता उस बात को समझता नहीं है। सब सब्जी तो सब कुछ को फेंकता रहता है। तो यहाँ पर केला रखा हुआ है, तो जल्दी से केला खाते हैं। बाल गोपाल ईश्वर दिए हैं, इसी तरह घूमते रहेगा, बर्बाद करते रहेगा, सबका घर खुशहाल रहेगा, इसी तरह सब घर में बाल गोपाल हंसते रहेगा। A few moments later. और क्रियांश यहाँ पर अपना मालिश करवा रहा है, देख रहे हैं सेठ साहब को। ओए सेठ साहब, बाप रे, चैन से जो कहते हैं दूसरे का बच्चा, हम देखते थे आराम से बैठ के टीवी देखते रहता है। हमारा बच्चा जो है 5 मिनट से ज्यादा टीवी नहीं देख सकता है। बिल्कुल, और यहाँ से वहाँ घूमते रहता है, इसके पीछे हम लोगों को भी घूमना पड़ता है। और ये कितना भी खाना खा ले इसका लगता नहीं, और अब तो खाना भी खाना छोड़ दिया। अभी इसका ये तमाशा हो गया, चावल दाल आराम से खा लेता था, आज तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया। नहीं आम खा रहा है, आम खा रहा है, आम खाता था आम भी नहीं खा रहा, चावल दाल खाता था वो भी नहीं खा रहा। तो पहले छुपा छुपा के ही खाता था, घर में इतना आम आया तो कुछ खाना नहीं, बस मन भर गया आम खाते खाते इसका। और ये देखिए हमारे बेड पे ट्रॉली। बिल्कुल, ये ट्रॉली इसलिए रखा गया है क्योंकि क्रियांश जो इस ट्रॉली पर चढ़ता है और चढ़ के खड़ा होता है, जंप करता है ना, हाँ, ताकि गिरेगा तो ये बेड पे ही गिरेगा, चोटने लगेगी इसको। देखिए हंसी हंसी देखिए इसकी। हे क्रियांश, हे क्रियांश, हे क्रियांश। पापा, कल डैडी को डैडी बोल रहा था, पता है? जैसे डैडी कोर्ट से आए तो अच्छा नहीं बैठा हुआ, तो चेयर पे जैसे देखा तो डैडी, डैडी, डैडी बोला। हाँ डैडी बोला तुम, उसके बाद एक दो बार बोला, फिर डैडी के बोले डैडी डैडी बोल लिया, अब फिर नहीं बोलता। कैमरा आते ही इसका एक्टिविटी बिल्कुल अलग हो जाता है ना, बस शुरू हो गया।
यही था इसका वैलिडिटी लेटने का, और अब शुरू हो गया घूमना। ओए बाय कर दीजिए सबको बाय। वैसे अभी हाफ ही ले रहा है, अब इसको नहा देते हैं, उसके बाद सो जाएगा। बाय भी कर दिया, बाय मिलेंगे ना ना करके, नाई नाई करके हम बाद मिलेंगे। हाय 20 मिनट्स लेट। तो क्रियांश खाना खा लिया, मालिश हो गया क्रियांश का, सब खाना खा रहे हैं ना। क्रियांश पहले खा लिया, बोलो तो। यहाँ पे डैडी इन्वर्टर को आया बंद करने, बंद खोल, बंद कर दिया ना इन्वर्टर, ऑन करो बेटा उसको। वाह चलो ये। One hour later. तो यहाँ क्रियांश शो के उठ चुका है। लल्ला कान्हा जी कहाँ दिया था? कहाँ? ये घंटी बजा रहा है, उठते ही पूजा करने लगता है। क्या कहाँ जा रहे हो? लल्ला लल्ला कहाँ जा रहे हो? देखो कौन आया नीचे। हाय हाय, सबको यहाँ ही करता है हाय। तो अभी आया है मेरा एक पार्सल जो भैया लेके आए हुए हैं। क्या? हाँ हाँ हाँ, मम्मा का पार्सल आया है। ठीक है ऊपर जाना है, अनबॉक्सिंग करके बताओ। अनबॉक्सिंग करेगा इसका? हाँ ठीक है जाओ करो अनबॉक्सिंग। इतना परेशान कर देता है, सुबह से उठते हुए इतना दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं। जब ये सोता है ना तो मैं इतनी ज्यादा थक जाती हूँ, मन करता है कि सो जाओ। कंघी उंगी कुछ नहीं करते भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, करने दो, बदमाशी जितना करेगा उतना अच्छा रहेगा। सावन की चूड़ी, सावन की चूड़ी तो ये है। हाँ मतलब इसके साइड में लगेगा माँ, यहाँ पे वो सावन के लिए हरा चूड़ी है। वो सावन का ना वो स्टैंडर्ड की चूड़ी यहाँ पे लगेगा, एक तो इस साइड में और एक तो नया फैशन है बस। चूड़ी है तो सुंदर है, सावन का प्रतीक लिखा हुआ। चूड़ी है तो सुंदर होगा, सावन का प्रतीक। जय जय जय। हर कुलीन स्त्री को कृपा से नसीब होता है, जो सच बात है ना। जितनी भी कुलीन स्त्री है वह ईश्वर की दया दृष्टि पर चूड़ी पहनती है। किसको मार रहा है जी? है लड़का, किसको मार रहा है तुम? पापा को। पापा गुलाम मत बनो बस। जय जय, कोई भी अपराध करके क्रियांश जय जय कर लेगा। जय जय, पापा को जय करो तो जय, और दादी को जय करो। दादी को जय करो, वो दादी की तरफ घूम के करोगे ना? जय जय, दादी किधर घूम के जय करो। बुआ कितना बड़ा है? ओ बाबा सुन रहे, इतना बड़ा। बुआ कितना बड़ा है? इतना बड़ा। तो क्रियांश यहाँ बैठ के अपना फोटो सिलेक्ट कर रहा है क्रियांश? क्या डेडी नी नी, ये देखो कौन है, बता। फोटो सिलेक्ट हो रहा है, कौन सा फोटो है बताओ? एक अच्छा फोटो है, अच्छा है। कितना सुंदर फोटो है, कौन है ये? सुंदर फोटो है, थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू बोल रहा है चाचा को। जा जा, क्लोज कर दिया तुम, अल्ट प्लस F4 दबा दिया क्या? जय क्या कर दिया? हाँ ये देखो ये देखो, हंसी आ रही है। ये देखो चाचू है, दादी अभिषेक सिंह। हाँ देखो दादी है। जय हो रहा है, जय क्या हो रहा है क्रियांश? अपने ही फुल स्क्रीन कर दिया ये। देखो दबा रहा है कीबोर्ड, देख भी रहा है। देख भी रहा है। ये देखो कितना सुंदर फोटो है ये तो। दादी है बस। जय कर दीजिए, जय
जय। सब कोई हमारे बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। हमारा बच्चा ऐसे बदमाशी करते रहे, मम्मा को परेशान करते रहे, स्वस्थ